सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ बाय द राइटर ओ हेनरी. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. द लास्ट लीफ इज ए मार्वलस स्टोरी बाय ओ हेनरी, डिपिक्ट्स द ट्रेजर्स ऑफ लाइफ एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ फेथ टू टेकल द हिंड्रेंसेज वी बैटल थ्रू आवर लाइफ. The story is set in Greenwich Village during a pneumonia epidemic. It tells the story of an old artist who saves the life of a young artist dying of pneumonia by giving her the will to live. तो ये जो कहानी है, ये कहानी दो युवा कलाकार होते हैं, सू और जॉन्सी. वे अपने आपसी विश्वास और एक दूसरे की कला से प्रभावित होकर एक दिन एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं, जो ग्रीनविच गांव के स्टूडियो के साथ कार्य करना उन्होंने ग्रीनविच गांव में स्टूडियो में एक साथ काम करना आरंभ कर दिया. सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब जॉन्सी को न्यूमोनिया ने नवंबर की सर्दी ने जकड़ नहीं लिया. बीमारी ने उसे इतना जकड़ लिया कि वह बिस्तर पर पड़े पड़े मौत का इंतजार करने लगी. वह पड़ी हुई दुखी अवस्था में अंगूर की बेल से गिरती हुई पत्तियों को गिरते हुए देख रही थी. चिकित्सक उसकी बीमारी से ठीक होने की जो आशा थी वो उसे पूरी तरह से त्याग चुके थे, क्योंकि वह बीमारी से पूरी तरह से हार चुकी थी. जब जॉन्सी ने सू को विश्वास दिलाया कि उसकी नेपल्स की खाड़ी को चित्रित करने की जो तीव्र इच्छा थी, तो सू कमरे में बैठकर अपने दुख को चित्रकारी के माध्यम से कम करने का प्रयास करने लगी. फिर भी जॉन्सी को यह विश्वास था कि अंगूर की बेल की अंतिम पत्ती गिरने तक उसे मौत आ जाएगी. जॉन्सी और सू के नीचे वाली मंजिल में रहने वाले एक वृद्ध बेहरमन कलाकार, जो किसी घटना को होने से बचाता था, उसने यह घोषणा की कि वह एक अति उत्तम चित्र बनाएगा. सू ने उसे बताया कि उसकी मित्र मरने वाली थी, और जॉन्सी ने आग्रह किया कि जब खिड़की से बाहर अंगूर की बेल की अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो वह भी मर जाएगी. हालांकि बहरमन ने इस विचार को मूर्खतापूर्ण मानकर उपहास किया. उसने उन दोनों, जॉन्सी और अंगूर की बेल को लड़कियों के बचाव की मुद्रा के रूप में स्वीकार किया. उस रात भयंकर तूफान आया, बर्फीली बारिश खिड़की से जोर से टकरा रहे थे. अंगूर की बेल पर केवल एक पत्ती बची थी. सू ने खिड़की को बंद किया और जॉन्सी को सो जाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जॉन्सी अंगूर की अंतिम जो पत्ती थी बेल की, उसे गिरते हुए देखे. अगली सुबह जॉन्सी को विश्वास था कि अवश्य ही अंतिम पत्ती गिर चुकी होगी और यही उसकी मृत्यु का अंतिम इशारा था. जब उन्होंने खिड़की खोली तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि अभी भी अंतिम पत्ती शेष थी. अब जॉन्सी ने अनुमान लगाया कि पत्ती उसके पापों को दर्शाती थी, जिससे कि वह बिना संघर्ष के मृत्यु को अंगीकार कर ले. इसलिए उसे जीने के प्रति दृढ़ता प्रदान की, और जीने की इच्छा ने उसे पूरी तरह स्वस्थ कर दिया. दोपहर के समय तीसरे पहर को एक चिकित्सक आया और सू से कहा कि बहरमन मर गया, लेकिन मरने से पूर्व एक अति उत्तम चित्र बना गया था. अंतिम पत्ती थी बहरमन की अति श्रेष्ठ रचना. अंतिम पत्ती के गिर जाने के पश्चात उसने यह श्रेष्ठ रचना तैयार की. उसका अंतिम कार्य अंतिम पत्ती के रूप में था, जिसने जॉन्सी को आशा और एक नया जीवन प्रदान किया था. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द समरी पार्ट इन इंग्लिश. सो लिसन केयरफुली. ए फॉर्म फ्रेंडशिप ब्लूम्ड बिटवीन टू यंग आर्टिस्ट सू एंड जॉन्सी बेस्ड ऑन reciprocal trust and shared artistic inclinations. They shared a studio in the strange old Greenwich village. Everything was going well till Jonesy fell ill with pneumonia in the wintry November. The illness affected her so much that she remained all day in bed, sure of death. She lied down gloomily, watching through her window. The leaves fell off from a vine. The doctor did not have much hope of her recovery, as she was utterly defeated by the sickness. When Jonesy confided to Sue that her passionate desire was to paint by the Bay of Naples, Sue sat in the room, sketching, trying to draw her sorrow to her art. However, Jonesy was sure that death would come when the last leaf of the vine fell. And old thwarted artist Bahrman, who always declared that he would paint a masterpiece, lived below Jonesy and Sue. Sue told him that her friend was dying,
दैट जॉनसी इंसिस्टेड दैट द लास्ट व्हेन द लास्ट लीफ फेल ऑफ द वाइन आउटसाइड हर विंडो शी वुड डाई इवन दो बहरमन डिसाइडेड टू फुलिस नोशंस हिज प्रोटेक्टिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द टू गर्ल्स मेड हिम सी जॉनसी एंड द वाइन दैट नाइट वॉज हॉरिबल हॉरिबली स्टॉमी एंड आईसी रेन स्पैटर्ड अगेंस्ट द विंडो देयर वॉज ओनली वन लीफ लेफ्ट ऑन द वाइन सो क्लोज द विंडो pleaded Jonesy to go to sleep because he did not want Jonesy to see the last leaf fell. Next morning, Jonesy was sure that the last leaf had fallen and death beckoned her too. When they opened the window, they were astonished to see that there was still one leaf left. Jonesy judged that the leaf stayed there to show her sinfulness in accepting death without a fight. This made her resolve to live, her will to live made her recover completely. In the afternoon, the doctor came and told Sue that Bahman was dead. But before the death, Bahman had painted a masterpiece. The last leaf was Bahman's masterpiece. He had painted the leaf after the last leaf had fallen off the vine. His final act, the last leaf on the wall, gave Jonesy hope and life. So this was the complete introduction part and summary part of the chapter. The text part of the chapter we will continue with the next video. If you have any doubt or any confusion in this part, then you can contact me on my personal number. Till then, thank you very much.